2022 का बाय बाय हो चुका है और आज है 1 जनवरी 2023 और इस नए साल की मैं शुरुआत करूंगा देवों के देव महादेव अखंड ब्रह्मांड के महाराजा भोलेनाथ जी के दर्शन करके। सोमनाथ मंदिर में हर पल जेड कैटेगरी की सुरक्षा रहती है, इसलिए स्मार्ट वॉच, रिमोट की, मोबाइल, कैमरा जैसी वस्तुओं को आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते। ये सारी वस्तुओं को सोमनाथ मंदिर के बाहर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए लॉकर में आप जमा कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। सोमनाथ मुख्य मंदिर के बगल में ही है ये पुराना सोमनाथ मंदिर। मुगलों की ओर से जब मुख्य सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से तोड़ा गया था, तब आलिया भाई होलकर ने इस मंदिर की स्थापना की थी। एक मान्यता के अनुसार शिवजी आलिया भाई जी के स्वप्न में आए थे और उन्होंने ही इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर में 2 शिवलिंग है, नीचे की तरफ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और मंदिर में ऊपर की तरफ जो शिवलिंग है वो आलिया भाई जी के नाम पे है। सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता, फिर भी अगर आप उलझन में हैं कि कैसे जाएं, कहां पे रुकें, कहां पे खाना खाएं और सोमनाथ मंदिर में घूमने की जगहों के बारे में, तो नो फिकर। इसके लिए भी आपके भाई ने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर भी उसे वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल सामने की तरफ जो रास्ता है वो जाता है समंदर पथ की ओर, उसके दाएं ओर जो रास्ता है वो है त्रिवेणी संगम का, और ये जो बाईं ओर का रास्ता है वो जाता है सोमनाथ मंदिर की ओर। सोमनाथ वॉकवे में एंट्री करने का दर एडल्ट के लिए है 5 रुपये, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ये फ्री है। आप अगर करना चाहते हैं साइकिलिंग इस वॉकवे पर तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 20 रुपये पर पर्सन। सोमनाथ वॉकवे के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रही होगी, आप चाहे तो वहाँ जाकर भी उसे वॉच कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबे वॉकवे, जिसको पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने स्थापित किया है। 16 फीट ऊंची सागर हनुमान की इस प्रतिमा को बिल्कुल समंदर तट के सामने ही रखा गया है, जो अभी मुख्य केंद्र स्थल बनी हुई है सोमनाथ वॉकवे का। 11 सितंबर 2022 को हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। सोमनाथ वॉकवे से अगर आप सोमनाथ मंदिर को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है ये सोमनाथ का मंदिर। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं सोमनाथ वॉकवे से सनसेट के इस बेहतरीन नज़ारे को देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।